वेलकम टू बालाजी स्टडी ग्रुप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी को उसे 12 घंटे में करता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी बोला राम 8 घंटे में करता है, तो राम 1 घंटे में कितना काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो, राम एक 8 घंटे में काम करता है तो राम 1 घंटे में कितना करेगा सर, 1/8। राम कितना करेगा, 1/8। तथा ये उसके बाद राम का आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि श्याम कितना करेगा सर, श्याम करेगा 1/12, ठीक है। राम ने 1/8 किया, श्याम ने कितना किया, 1/12 किया। अब पूछा क्या है आपसे कि ये दोनों साथ में काम करेंगे, राइट। अब आपको साथ का बताना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। 1/8 और 1/12 करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा सर, 1/8 एलसीएम टोटल आ जाएगा आपका 24, 8 3 24, 12 2 24, ऐसे क्या आ जाएगी एफिशिएंसी क्या आ गई, 5/24। और अगर टाइम इक्वल टू 1/ एफिशिएंसी होता है, ओके, तो इसको ओपन में कर देते तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा सर 24/5, टाइम बराबर 24/5। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 20 4/5, राइट, ये आपका आंसर हो गया। उसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर के। देखो इसमें क्या लिखा था, राम राम कितना 8 दिन में किसी काम को करता है, मैंने 8 दिन लिख दिया। श्याम किस कितने में करता है, 12 दिन में करता है, मैंने 12 दिन लिख दिया। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया टोटल वर्क कितना है, 24 है। एक कितना करता है, 1 घंटे में 3 काम करता है, 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है। टोटल दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो आपको पता चला कि ए 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ओके। तो टोटल काम कितने, 24 है सर। यदि 1 घंटे में 5 काम करेंगे तो कितने घंटों में फिनिश कर देंगे, 5 4 20 4/5 में। समझ में आया, ये बहुत ही आसान तरीके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रीता गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं, ओके। मैंने क्या लिखा, सिंपल सा, सिंपल बता दूं मैं आपको, रीता गीता संगीता वही जो आप करते आ रहे हैं ना, बेसिक्स वही करना है। गीता 10 में, गीता 12 में, ठीक है, और ये संगीता है, संगीता कितने में, 15 घंटे में करते। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा सर तीनों का, एलसीएम सर मैंने बोला एलसीएम आ जाएगा सर 60, क्योंकि 60 से सारे कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद आपने बोला ठीक है 60 आ जाता है तो ये कितना काम करेगा 1 घंटे में सर, टोटल वर्क 60 मान लेते हैं अपन, तो ये कितना काम करेगा सर, 6 वर्क करेगा, ये कितना काम करेगा 6, ये कितना काम करेगा 5, और ये कितना काम करेगा 4। अब ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तीनों एक साथ पूरा काम कितने दिन में, मैंने टोटल वर्क ऐड कर दिया कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यदि ये 1 घंटे में 15 वर्क करते हैं, टोटल 60 वर्क है आपके पास, तो अब क्या करेंगे, 60 में से 15 को डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 15 आपका टाइम आ जाएगा, तो 15 बन जाए 15, 15 6 जा 15 4 जा 60, आपका क्या आ गया, 4 आवर्स आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई काम क्रम से 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये राम है, श्याम है और मोहन, इनका रील क्या दिए, 20 दिन में 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ये दिया है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया,
तीनों ने काम भी किया। उनको श्रमिक में कितना मिला? 3700 रुपीज मिला। मोहन का परिश्रम पता नहीं अपने, ये रहा टोटल कितना हो जाएगा इनका जब मैंने लिया 300, क्योंकि इसका रेशियो निकालना है ना, ये डेज का रेशियो है, मैंने वर्किंग का रेशियो निकालना है ना, तो मैंने बोला ये 300 है। ओके तो रेशियो कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से कितना हो जाएगा 20, कितने टाइम्स में आ जाएगा? 15 टाइम्स में आ जाएगा, ओके 12 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ से 10 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये इनका क्या हो गया? रेशियो हो गया सर। ये रेशियो में किस रेशियो में वर्क करते हैं? 50:10 में, मतलब एक वन एक दिन में 15 करता है, ये 10-12 करता है और ये 10 करता है, ये रेशियो आ गया। तो अब सिंपल सा है, क्या करना है अब सर? किसका पूछ रहा है ये? मोहन का पूछ रहा है। सर मोहन कितना करता है? 10 करता है। सर मोहन 10 काम करता है, टोटल काम कितना है? 15 + 12 + 10 कितना हो जाएगा? 37 × 3700 टोटल अमाउंट से 37 × 3700 × 10 कितना हो जाएगा? 1000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में खोद देते हैं। अब मैंने बोला ए कितने दिन में खोद देता है? सर ए 10 दिन में खोद देता है। और बी कितने दिन में खोद देता है? उसने बोला बी सर 15 दिन में खोदता है, थोड़ा सा आलसी है ये। ओके तो अपन ने इनका एलसीएम लिया सर, कितना आ गया? 30 आ गया, मतलब ये टोटल काम कितना है? 30 है। ए एक तो ए बताओ कि एक दिन में कितना काम करता है सर? ये एक दिन में 3 काम करता है। सर एक दिन में कितना काम करता है? थोड़ा आलसी है तो 2 काम करता है। अब आपका रेशो आपने बोला सर ये 3:2 हो गया कि एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, मिलते कितने इनको? 450 मिलते हैं। तो आपको बताना किसका? बी। बी मतलब कितना है? 2 काम करता है सर, टोटल 2 काम कितने करता है? 2। टोटल काम कितने हैं? 5। 3 + 2 = 5 इंटू क्या कर देंगे अपन? 450 कर देंगे। 5 × 5 = 5, 5 × 9 = 45, 0 × 9 = 18, मतलब 180 आपको क्या हो जाएगा? सी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बनाते, ए भी 10 दिन और 15 दिन में बनाते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी को काम छोड़ना पड़ेगा कि पूरी दीवार 8 दिन में कंप्लीट हो जाए? मैंने बोला सर ए एक दिन में कितना काम करता है सर? 1/10, और बी कितना करता है सर? 1/15 वर्क करता है। तो मैंने आपको क्या बोलना है सर? क्या बोला? यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ेगा? तो ए तो कितना काम करेगा सर? सर मैंने बोला 1/10 × 8, ए को तो करना ही है, प्लस बी कितने दिन पहले छोड़ दे? 8 − 1, डी पहले छोड़ देगा कि कितना? 50 हो जाए। मैं आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से करा रहा हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं एक्चुअल में, राइट। बेसिक्स को यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए ना तो ये शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे माइंड में सॉल्व करने के बाद, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8/10 + 1 है, ओके, प्लस ए कितना हो जाएगा? 8 − 1/15 = क्या है? 1 है। इस साइड अब इसको अपन इस साइड ला लेते हैं, इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा सर? माइनस का 8/10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/10 सर। इसको 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2 बचा है यहाँ पे। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 − x = कितना बचेगा आपका? ये यहाँ पे चला जाएगा 3। तो x = x - क्या है? तो यहाँ से x = 3 − 8 होगा। तो x = क्या आ जाएगा आपका? x = आपका आ जाएगा −5। माइनस का x था तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, x = क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। और ये समझना आपको। अब मैंने बोला राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। अब मैंने बोला यहाँ पे राम और यहाँ पे श्याम है, राम की कार्य क्षमता किससे? श्याम से दुगनी। श्याम एक काम करता है तो राम कितने काम करेगा? 2 करेगा, क्योंकि दुगनी है। तो दोनों ने मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं सर? दोनों मिलकर
मैंने बोला राम प्लस श्याम। कितना काम करते हैं एक दिन में? 3। और श्याम अकेला कितना करता है? 1। टोटल काम कितना है? 15। यदि ठीक है, यदि मैंने बोला 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? सर 15 × 3 होगा, टोटल काम यही होगा ना कि 15 दिन में पूरा करते हैं और एक काम 3 काम करते हैं, टोटल कितना काम होगा? तो सर 45 होगा। और राम कितना काम करता है? सर 2 काम करता है, तो 45 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 1/2।